हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नियमित शिक्षक भर्ती से जुड़ी जानकारी लाता रहता हूं दोस्तों, लेकिन जो आपकी अभी पोस्ट बढ़ाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है उसमें भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आपके लिए अपडेट जरूर लेकर आऊं। तो नया अपडेट ये है दोस्तों कि आपको जैसे मालूम है कि हमारे श्री रंजीत गौर जी इतने दिनों से आपके लिए भोपाल में ध्यानाकर्षण कर रहे हैं कि आपकी जो पोस्टें हैं, चाहे वर्ग एक की बात करें, वर्ग दो की, और खासकर वर्ग दो में बहुत से सब्जेक्ट की पोस्टें बहुत कम हैं, तो उन्हें बढ़ाने के लिए एक मुहिम चला रखी है और उसके तहत आप सभी से भी अनुरोध किया गया था कि उसे जरूर ज्वाइन करें, चाहे आप एक दिन के लिए करें या दो दिन के लिए, लेकिन अपना सपोर्ट जरूर करें। बहुत से जनरल चैनल हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो जाकर इसे ज्वाइन करें, जिससे कि जो आपकी मांग है वो पूरी हो सके। और पॉजिटिव पॉइंट यहाँ यही निकल के आ रहा है कि आपकी जो है पोस्टें वो बढ़ सकती हैं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं दोस्तों। और ये संकेत मिलना ही हमारी इस ध्यानाकर्षण की सबसे बड़ी जीत आप मान सकते हो। आपको मैं कुछ दिन पहले की बात बता दूं कि जब आपका ये ध्यानाकर्षण दिसंबर में किया गया था, जिसकी डिमांड ये थी कि जो आपके विज्ञप्ति है वो 2019 में जारी हो, जिससे कि जो एवरेज होने वाले थे उनकी आयु की गणना 2019 से ही हो, तो वो हुआ क्योंकि आपकी जो विज्ञप्ति वर्ग एक और वर्ग दो की वो 2019 में ही जारी कर दी गई। सेकंड, अभी ये मांगा गया था कि आपकी जो आयु सीमा है वर्ग तीन की वो 21 वर्ष से कम कर दी जाए, तो आपको मालूम है कि उसमें भी संशोधन किया गया और अब जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष से कम है, यानी कि 21 वर्ष से कम के लोग भी उसमें आवेदन कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जब सामूहिक प्रयास किया जाता है, सब चैनल मिलकर प्रयास करते हैं, आप लोग प्रयास करते हैं, तो सफलता मिलती है। ये मैंने कुछ आपको उदाहरण हाल ही के दिए हैं, जिनमें कि 18 या 19 दिसंबर को भी ध्यानाकर्षण किया गया था, जिसके बाद आपकी विज्ञप्ति भी जारी हुई, आपके वर्ग तीन की जो नोटिफिकेशन होता है उसकी भी जारी होने की सूचना आ गई थी, और जो आयु सीमा संबंधी था वर्ग तीन का वो भी अब कम कर दी गई। ये जब ही हुआ जब श्री रंजीत गौर जी जैसे जेन्युइन इंसान मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, और उनकी मेहनत और प्रयास का श्रेय तभी मिल सकता है दोस्तों जब आप उनके सपोर्ट करें, जब आप उनकी मुहिम में शामिल हों तभी दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर अपना सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या व्यू कमाने के लिए कुछ भी डाला जा सकता है और उसमें सफलता हासिल की जा सकती है, लेकिन बिना किसी अपने निजी स्वार्थ के दूसरों के हित में काम करना, और वो तब काम करना जबकि इतनी आप समझते हो कि कितनी क्रिटिकल कंडीशन है, इतनी ठंड पड़ रही है, उसमें भी भोपाल जैसे शहर में जाकर और अपना पूरा खर्चा चलाकर और इस मुहिम को समर्थन करना एक बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर बात आती है कि बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं कि अतुल सर, आप क्यों वहाँ पर जाकर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपको कारण बताया है कि मैंने लीव के लिए एप्लीकेशन दे दी है, लेकिन अभी हमारे कॉलेज में एक तो नए एडमिशन हो रहे हैं और डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी काम मेरा है, तो न्यू एंट्री की जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जो भी किया जाता है, वो मेरा ही जिम्मा है। और सेकेंड यह है कि मैं एज ए कंप्यूटर टीचर पढ़ा रहा हूँ, तो जिन्हें पढ़ा रहा हूँ उनके भी एग्जाम आने वाले हैं, तो यहाँ पर छुट्टी मिलना ऐसा हो जाता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैंने जो भी हमारे कॉलेज के बोर्ड हैं उनसे बात की है कि मुझे कम से कम 3 दिन की छुट्टी दी जाए, क्योंकि एक दिन जाने में लगता है, या शिपरी से लेके और भोपाल तक का जो सफ़र है वो 6 से लेके 7 घंटे का कम से कम होता है, तो मींस आपका जो सफ़र है वो 12 घंटे का दो तरफ से मान के चलें, उसके बाद फिर आपको और समय भी चाहिए, तो कम से कम इतनी आपको लीव होनी चाहिए। चूंकि मैं अपनी लीव की जो लिमिट होती है वो पहले ही पूरी कर चुका हूँ, इसलिए भी थोड़ा दिक्कत आ रही है। और सेकंड ये है कि कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर प्लस आपके टीचिंग का काम दोनों ही कम्बाइंड में करता हूँ, तो उसके लिए ऐसा है कि कोई और सामने अभी उनके विकल्प है नहीं है। यदि वो न्यू भर्ती करते हैं, मेरी सीट की जगह किसी और को दे देते हैं, तो फिर विकल्प होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास में ही है घर के जॉब, तो मैं इसे छोड़ना उस हिसाब से नहीं चाहता। या तो जॉब छोड़ दिया जाए तो डेफिनेटली फिर आपके पास छुट्टी छुट्टी है, जब जॉब ही नहीं है तो फिर कोई काम ही नहीं है, लेकिन चूंकि घर के मेरे पास में है और जैसे आपको मालूम है कि मैं दिव्यांग हूं, तो ज़्यादा सफ़र ना करके घर के पास में यदि जॉब मिल जाती है तो मैं उसे ले लेता हूँ। करीबन 1.5 किलोमीटर का ही दूरी का फासला है दोस्तों, तो उसमें यदि मुझे छुट्टी मिलती है तो डेफिनेटली मैं ज्वाइन करूँगा वहाँ पर। मेरा सेकेंड थॉट ये था कि जितने भी चैनल हैं, जो भी जनरल चैनल हैं,
वो यदि अपने चैनल के माध्यम से इसका समर्थन करेंगे और एक चैनल वाले ने यदि 100 लोगों को भी वहाँ पर भेज दिया, उनके जो फॉलोवर्स हैं उनमें से यदि 100 लोग भी वहाँ पर पहुँच गए और ऐसे 10 जनरल चैनल इसका समर्थन करते हैं, तो करीबन 1000 लोग तो पहुँच ही जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि यदि सही से मोटिवेट किया जाए तो कुछ ना कुछ तो लोग वहाँ पर पहुँचते ही हैं। तो ये था मेरा, लेकिन हो क्या रहा है कि दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि अभी अब वर्ग 3 की जो है वैकेंसी आ रही है, तो उनके जो भी और काम निकल आते हैं, जैसे कि किसी को सॉफ्टवेयर का कूपन कोड देना है, किसी को नोट्स देना है, तो इस हिसाब से तो उनमें ज़्यादा लाभ है, ना कि ऐसे वीडियो या ऐसे समर्थन करने वाले वीडियो को डालने में। तो यदि उनमें ज़्यादा लाभ मिल रहा है तो डेफिनेटली वो वही वीडियो ज़्यादा डालेंगे, जिससे कि उनके चैनल को या उनको ज़्यादा लाभ हो, ज़्यादा रेवेन्यू मिले दोस्तों। तो इसमें कोई मैं बुराई भी नहीं मानता कि ये अपने अपने एक तरीके हैं रुपए कमाने के। बिजनेस भी एक ऐसा ही होता है कि जिसमें बिजनेस में आप डालते हो तो ग्राहक से आप कितना 5% 10% जितना भी आप मुनाफा कमाते हो वो एक बिजनेस कहलाता है। तो इसमें कोई मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना इसमें कुछ बुरा है। जो भी चैनल ऐसा कर रहे हैं और इस में लगे हुए हैं उनको मैं बुरा नहीं कहूँगा, और जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए हैं उनकी भी यदि ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, उन्हें ऑनलाइन जो भी क्लासेस वगैरह सब मिल रही हैं और घर बैठ के मिल रही हैं और वो इसके लिए पे कर रहे हैं, तो फिर उनकी सोच है और उनका ही है। तो इसमें कोई बुरा नहीं है, मैं इसमें बुरा नहीं मान रहा हूँ, लेकिन मैं एक ही अपील करूँगा फिर से सभी चैनलों से कि आप थोड़ा सा टाइम निकालकर, हालांकि आपका टाइम कीमती है, लेकिन उसमें से भी यदि 1 मिनट निकालकर 1 मिनट का वीडियो शूट करके इसकी अपील कर देंगे, तो बहुत से लोग हो सकता है कि इससे प्रेरणा लेकर, प्रेरित होकर उस में समर्थन में पहुंच जाए और इस मुहिम को और बल मिल जाए और जो पोस्ट बढ़ने की एक पॉजिटिव संकेत आ रहा है उसको बल मिल जाए दोस्तों। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि यदि मुझे लीप सैंक्शन हो जाती है तो डेफिनेटली मैं बार बार बहुत सारे वीडियो में कह चुका हूँ, लेकिन बहुत से भाई बहन कहते हैं कि सर आप क्यों नहीं जा रहे हैं, तो मेरी मजबूरी है यहाँ पर। बीच में आपको मालूम है कि नवंबर 24-25 नवंबर की बात करें तो उस समय मैं वीडियो लाया था, मैं आपकी सीपरी से लेकर ग्वालियर और ग्वालियर से लेकर भोपाल तक हम गए हुए थे और आपकी जो बात थी वो सभी के सामने रखी हुई थी और वो पूरा वीडियो मैंने डाला था। चूँकि नवंबर एक ऐसा महीना होता है कि जहाँ पर आपको ज़्यादा काम नहीं होता, जो कि एक डाटा एंट्री ऑपरेटर काम होता है उससे ज़्यादा काम नहीं होता, उस टाइम पर सिर्फ क्लासेस लगती थी, तो उस टाइम पर मैंने अपनी छुट्टियों का यूज किया और ले ली। लेकिन अभी ऐसा है कि न्यू एडमिशन भी है और एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, तो उस हिसाब से जो शेड्यूल है ज़्यादा एक कहूँ कि एक बिजी शेड्यूल हो गया है, तो उस हिसाब से उसमें छुट्टी का प्रावधान यानी कि छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन जैसे ही मिलती है मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूँगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये अपील ज़रूर करूँगा कि जो मेरा वीडियो देख रहा है आपको ज़रूर जाना चाहिए, आपके लिए प्रयास हो रहा है यहाँ, क्योंकि बहुत से चैनल जो हैं वो आपके साथ ही एग्ज़ाम दे रहे हैं फिर भी वो इस मुहिम को लगातार आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई के साथ साथ आपको भी सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत से चैनल ऐसे हैं जो कि आपके वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 के जिनने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो इसमें नहीं है। यदि पोस्टें बढ़ती हैं तो आपको ही लाभ है, और नहीं बढ़ती हैं तो फिर आपको एक नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो चैनल भी इसमें आपका मुहिम में सपोर्ट दे रहे हैं जबकि वो खुद एग्ज़ाम नहीं दिए हुए फिर भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो आपको खुद का सपोर्ट करना है, श्री रंजीत गौड़ जी जो मुहिम चला रहे हैं उसका सपोर्ट करना है। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट ज़रूर करें, यदि आप जा सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो एक अपील थी दोस्तों और मुझे लगा कि आपके साथ ये बात शेयर करनी चाहिए, और आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।